हेलो जी, सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था मुझे देर हो जाएगी आज रात। हाँ जी, काम काफी पड़ा हुआ है, खत्म होगा तो आ जाऊंगा। ओके जी, खुदा हाफिज। उसकी माँ ने कहा था कि मैं कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगी कि अशर मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। किस किस तरह के बहतान लगाए गए हैं मुझ पर, लेकिन अशर तो मुझसे मोहब्बत करता था। उसे तो सुननी चाहिए थी मेरी बात। अशर सुनेगा तुम्हारी बात, हौसला करो। वो औरत जितनी भी चालाक हो, अल्लाह सब देख रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अफशी, कुछ ठीक हुआ है अभी तक। और ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे आने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो औरत मेरे बच्चे की जिंदगी को एक गंदी गाली बना देना चाहती है। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, मैं मर जाना चाहती हूँ अफशी। ऐसा नहीं कहते, इस बच्चे का क्या कसूर है? तुम हर वक्त रोती रहोगी या मरने का सोचती रहोगी तो इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अशर, कल भी तुम पूरी रात काम करते रहे हो, क्या कर रहे हो अपने साथ? दफ्तर जाते हो, घर आते हो, आराम नहीं करते, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो तुम? काम है मम्मी, सजा तो नहीं, और आपको तो वैसे भी पता है मैं वर्कहॉलिक हूं। ये काम नहीं होता, तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो और तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। खैरत की वजह से, उस नीच लड़की की वजह से अपनी जिंदगी मत खराब करो प्लीज।